वेलकम टू स्पर्श फैक्ट्स। मेरा नाम है स्पर्श महाजन। आपको तो पता ही है कि आई लव टू लर्न न्यू थिंग्स, और अब तो मैंने रोबोट्स भी बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन मैंने अब तक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बनाई जो फ्लाई कर सके। मुझे आप लोगों से भी बहुत रिक्वेस्ट मिल रही थी कि ड्रोन या हेलीकॉप्टर बनाओ, तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे ये स्पर्श हैक्स का ड्रोन। फ्रेंड्स, ये ड्रोन मेरा आज तक का सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट था, क्योंकि इसके अंदर इतनी से भी गलती नहीं हो सकती, नहीं तो ये फ्लाई नहीं करेगा। और इतना छोटा सा है, मुझे इतने छोटे छोटे पार्ट्स यूज़ करने हैं, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि आई वॉज यूजिंग सर्किट्स, मुझे इतनी छोटी छोटी वायर्स कनेक्ट करनी है, और इसका वेट भी बैलेंस लेना चाहिए। और मेरी आप सबसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, सो डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली लाइक यू ऑलवेज डू। मैंने ये सिर्फ कार्डबोर्ड और आइसक्रीम स्टिक से बनाया है, और मैंने इसमें थोड़े ड्रोन के कंपोनेंट्स भी यूज़ किए हैं, और क्योंकि ये पार्ट्स तो मैं बना नहीं सकता, लेकिन मैंने इन सभी पार्ट्स के बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप इन्हें अमेजोन से बाय कर सकते हो। मैंने ये पार्ट्स द्रोणा एविएशन की वेबसाइट से बाय किए हैं, आप वहाँ पर भी बाय कर सकते हो। और स्पर्श हैक्स के व्यूवर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट है, डिस्काउंट कोड है Spurs10Pluto, तो आपको इस ड्रोन के कंपोनेंट्स पे 10% डिस्काउंट मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो आओ जल्दी से देखें इस ड्रोन को कैसे बनाते हैं। ले 2 आइसक्रीम स्टिक्स लिए और हमने इसका सेंटर मार्क कर लिया है। अब हम इसे 90° एंगल पे पेस्ट कर लेंगे। हमने थर्माकोल के 4 पीसेस कट किए हैं। हमने यहाँ पे थर्माकोल इसलिए यूज़ करी है क्योंकि थर्माकोल लाइट वेट होती है, हमारी ड्रोन लाइट वेट रहनी चाहिए ताकि वो फ्लाई कर सके। हम इन्हें यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। पहले हमने पेंसिल से मार्क मार लिए हैं, और ये 4 मार्क्स इक्वल डिस्टेंस हैं। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि ड्रोन बैलेंस्ड रह सके। फोर और थर्माकोल के पीसेस लिए हैं, और इनको हम ड्रोन की उल्टी साइड पे लगाएंगे। इसके ऊपर मोटर्स लगाएंगे। ये स्पेशली डिजाइन ड्रोन मोटर्स हैं, ये बहुत ही लाइट वेट और पावरफुल हैं। आप इन मोटर्स को अमेजोन से इजीली बाय कर सकते हो। मैंने ये मोटर्स द्रोणा एविएशन की वेबसाइट से बाय की हैं, आप भी वहाँ से बाय कर सकते हो। इसका बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब मैं इन मोटर्स को इनके ऊपर पेस्ट करूँगा। मैंने एक पेस्ट की हुई है, अब मैं बाकी 3 पेस्ट करूँगा। इसको टेप से इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मैं इन्हें किसी और प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकूँ। ये है कंट्रोलर बोर्ड, हमारी ड्रोन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, के बिना हमारा ड्रोन कंट्रोल ही नहीं हो सकता। ये बहुत एक्सपेंसिव है, और मैंने ये भी ड्रोन एविएशन की वेबसाइट से बाय किया है। अगेन, इसको मैं किसी और प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकूं, तो मैं इसे कार्डबोर्ड के ऊपर रबर बैंड से टाई कर रहा हूँ। हमारी ड्रोन का एक और पार्ट जो कि है बैटरी, ये
बहुत ही हाई पावर्ड बैटरी है और इसका नाम है लाइपो बैटरी, लिथियम पॉलीमर बैटरी। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हाई पावर्ड मोटर्स को हाई करंट रेट प्रोवाइड करती है। इसको भी मैं एक कार्डबोर्ड के पीस पे रबर बैंड की हेल्प से टाई कर लूँगा। मैं इसे रबर बैंड से इसलिए टाई कर रहा हूँ ताकि मैं इसे किसी और प्रोजेक्ट में फिर से यूज़ कर सकूँ, क्योंकि ये भी बहुत एक्सपेंसिव है। कंट्रोलर बोर्ड और बैटरी को पेस्ट कर लेंगे अपने ड्रोन के ऊपर। पेस्ट करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि कंट्रोलर बोर्ड की फ्रंट साइड ये है, तो ये इन दोनों के बीच में आने चाहिए। तो मेरा ड्रोन इस डायरेक्शन में फ्लाई करेगा। सही, हम इसकी रिवर्स साइड पे बैटरी पेस्ट कर रहे हैं। ड्रोन के ऊपर एक और पार्ट लगाएंगे और वो पार्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि है प्रोपेलर्स। प्रोपेलर्स हमारे ड्रोन को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। टू टाइप्स ऑफ प्रोपेलर्स होते हैं, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। हम क्लॉकवाइज को यहाँ लगाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज को यहाँ लगाएंगे और ये प्रोपेलर्स मोटर्स के साथ मिल जाते हैं। स्टेप है टू कनेक्ट ऑल वायर्स। तो पहले हम मोटर की वायर्स लगाएंगे इनके कनेक्टिंग पोर्ट में। लास्ट वायर इज फ्रॉम बैटरी टू कंट्रोलर। आओ फ्रेंड्स, देखते हैं कि ये ऑन होता है या नहीं होता। इसका स्विच ये है यहाँ पे। इस कंट्रोलर बोर्ड के अंदर लाइट ब्लिंक कर रही है, तो इसका मतलब कि ये ऑन हो गया है। अब हम अपनी ड्रोन के ऊपर ये 4 छोटे थर्मोकोल के पीसेस अटैच करेंगे। हम इन्हें बिल्कुल कॉर्नर पे ऐसे लगाएंगे। ये जो कंट्रोलर बोर्ड है ये मल्टीपर्पस है। ये कंट्रोलर बोर्ड हमारे फोन को ड्रोन से भी कनेक्ट करता है, बैटरी को भी चार्ज करता है और कैमरा को भी ऑपरेट करता है। लेकिन मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब हम अपनी ड्रोन के ऊपर लगाने वाले हैं ये वायरलेस कैमरा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने बाकी सारे पार्ट्स के साथ इस कैमरा को भी ड्रोना एविएशन की वेबसाइट से बाय किया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने इस कैमरा को भी रबर बैंड से कार्डबोर्ड के पीस के ऊपर अटैच कर लिया है। अब मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। कैमरा की जो वायर है इसको हम नीचे कंट्रोलर बोर्ड से कनेक्ट कर लेंगे। हमारी ड्रोन तो रेडी हो गई है, लेकिन उसे ऊपर से कवर करने के लिए हमने ये कार्डबोर्ड की कैनोपी कट की है और अब मैं इसको ब्राइट रेड कलर में पेंट कर रहा हूँ। कैमरा मॉड्यूल के साथ भी ये 3 थर्मोकोल के पीसेस लगा लिए हैं। अब मैं इस कैनोपी को इसके ऊपर पेस्ट कर लूँगा। हमारा ड्रोन तो रेडी हो गया है, लेकिन इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमारा ड्रोन का वेट 60-70 ग्राम्स के बीच में हो। इससे ज़्यादा वेट हमारी ड्रोन की मोटर्स नहीं ले पाएंगी। तो आप देखते हैं हमारे ड्रोन का वेट क्या है। हमारी ड्रोन का वेट है 66 ग्राम्स एंड इट्स परफेक्ट। आपको क्या लगता है, हमारा ड्रोन उड़ेगा या नहीं? नाउ लेट्स स्विच ऑन आवर ड्रोन एंड टेस्ट इट। इसका स्विच ऑन बटन यहाँ पे है। देखो, इसके अंदर लाइट्स चलनी शुरू हो गई हैं। ये है हमारे ड्रोन की कंट्रोलर ऐप। आप देख सकते हैं कि ये है हमारे ड्रोन का व्यू। और इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो पहले हम जाएंगे मेन्यू बटन पे
और यहाँ पे ड्रोन सेटिंग्स, उसके नीचे स्क्रॉल करके अब हम स्पिन ऑल का दबाएंगे। आवर ड्रोन इज वर्किंग। आई एम इन द पार्क एंड इट्स टाइम टू फ्लाई माय ड्रोन। So much fun flying this drone. इतने सारे crashes के बाद भी there's no damage. It's so strong and cool. तो friends, कैसा लग रहा है मेरा ये drone? आप भी ये drone जरूर try करना और मुझे बताना कि आपका drone कैसा बना और उसे fly करके भी जरूर देखना कि वो fly हो रहा है। इस ड्रोन के कंपोनेंट्स थोड़े एक्सपेंसिव है तो हो सकता है कि आप इस ड्रोन को इमिजिएटली नहीं बना पाओ, तो डोंट वरी, आप मेरी वीडियो देख के सीख सकते हो कि ड्रोन को कैसे बनाते हैं। आई एम श्योर यू विल मेक अ ड्रोन समडे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।